नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सरमई टाइम्स में। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप सभी देख रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल। विपक्षी एकता के दूसरे दिन की बैठक शुरू हो चुकी है जो कि शाम 4 बजे तक चलेगी, जिसके बाद सभी दलों के नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं इससे पहले 23 जून को पटना में 17 पार्टियां विपक्षी एकता की पहली बैठक में शामिल हुई थी। बता दें कि आज की बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, राज्यवार गठबंधन, सीट शेयरिंग के अलावा महागठबंधन के नए नाम पर चर्चा हो सकती है और सभी पार्टीज के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए एक संयोजक की नियुक्ति पर भी डिस्कशन होगा। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी या नीतीश कुमार में से किसी एक को संयोजक बनाया जा सकता है। वैसे सोनिया गांधी के नाम पर किसी भी पार्टी को एतराज नहीं होगा क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार नहीं होगी और इस बैठक से पहले सोनिया गांधी ने सभी को अपने घर डिनर पर इन्वाइट भी किया था। केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमान चांडी का आज सुबह बेंगलुरु में निधन हो गया। उनकी उम्र 69 साल थी और वो पिछले लंबे समय से बीमार थे, जिस वजह से उनका बेंगलुरु में इलाज चल रहा था। उनके बेटे ने फेसबुक पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अप्पा नहीं रहे। वहीं केरल कांग्रेस के अध्यक्ष के सुधाकरण ने ट्विटर पर इसकी जानकारी शेयर की। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और पक्के कांग्रेसी उमान चांडी जननायक के तौर पर ऊंचा कद रखते थे। उनकी अटूट निष्ठा और दूरदर्शी नेतृत्व ने केरल के विकास और देश के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरी छाप छोड़ी है। उन्हें उनके समर्पण और सेवा भाव के लिए याद रखा जाएगा। बता दें कि उमान चांडी 2004 से लेकर 2006 और 2011 से 2016 तक 2 बार केरल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दिल्ली में आज भी यमुना नदी का जलस्तर घटता दिखाई दिया। उधर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लोगों से अभी भी रिलीफ कैंप में रहने को कहा है क्योंकि जलस्तर में लगातार बदलाव हो रहा है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 4-5 दिनों तक गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ मौसम विभाग ने उत्तराखंड के हरिद्वार मसूरी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में बारिश से मची तबाही में अयोध्या से कुल्लू गए एक ही परिवार के 11 लोग लापता हैं। भारतीय अरबपति गौतम अडानी ने अडानी इंटरप्राइजेज की एनुअल जनरल मीटिंग को वर्चुअली एड्रेस करते हुए अमेरिका बेस्ट शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मकसद हमारी रेपुटेशन को डैमेज कर मुनाफा कमाना था। बता दें कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए थे। इसके बाद ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। मतलब कि अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर करीब 3,500 रुपये से गिरकर 1,000 रुपये के करीब आ गया था। कराची पाकिस्तान के सिंध में हिंदू मंदिरों पर रॉकेट लॉन्चर दागे जाने के बाद सरकार ने सुरक्षा बढ़ाते हुए मंदिरों के बाहर 400 से ज़्यादा हिंदू पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। पिछले दिनों से पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर हमले की घटनाएं बढ़ती ही जा रही थीं और 48 घंटे के दौरान पाकिस्तान में 2 मंदिरों को हमलावरों ने निशाना बनाया। संडे को सुबह कश्मीर में एक हिंदू मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर में हमला हुआ था और मंदिर के आसपास बसे हिंदू समुदाय के घरों पर भी अंधाधुंध गोलीबारी हुई थी। कराची के लोगों ने बताया कि 14 जुलाई की रात कुछ लोग बुलडोजर लेके आए और मारी माता मंदिर की बाहरी दीवारों और मेन गेट को छोड़कर भीतर से पूरा मंदिर तहस नहस कर दिया था। कुछ दिन पहले एक गांव दुनिया भर में काफ़ी चर्चा में रहा। इस गांव में सिर्फ महिलाएं और लड़कियां रहती हैं, पुरुषों को आने की इजाज़त भी नहीं है। कभी कभार महिलाएं अपने गांव की आबादी बढ़ाने के लिए बाहरी पुरुषों से संबंध बनाने को ही गांव से बाहर जाती हैं। महिलाओं के इस गांव से बाहर दुनिया भर में कई ऐसी जगहें भी हैं जहां महिलाओं को जाने की इजाज़त नहीं है। वहीं अफ्रीका में भी पुरुषों ने ओनली फॉर मेल गांव बसाया है जहां कोई महिला नहीं रहती। इसी तरह चीन के कुछ गांव में भी सिर्फ पुरुष ही रहते हैं। ओमाइन पर्वत को जापान के शिंतो धर्म में काफ़ी पवित्र माना जाता है। वहाँ ऐसी मान्यता है कि महिलाओं के आने से ओमाइन पर्वत की पवित्रता और पुरुषों की साधना भंग हो जाएगी। इसी वजह से इस पूरे इलाके में महिलाओं को आने या रुकने की इजाज़त नहीं है। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में एक ब्रिज पर संडे देर रात अटैक हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस हमले का आरोप रूस ने यूक्रेन पर लगाया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में जान गंवाने वाला एक दंपत्ति है और उनकी बच्ची घायल हुई है। अटैक के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें टूटा हुआ ब्रिज दिखाई दे रहा है। लोकल प्रशासन ने हमले के तुरंत बाद ट्रैफिक को रोक दिया था। यह हमला रूस यूक्रेन के बीच हुई ग्रेन डील खत्म होने के 1 दिन पहले हुआ है।
दरअसल जंग के चलते पिछले साल ब्लैक सी में सामान की डिलीवरी को लेकर दोनों देशों के बीच सेफ रूट देने की एक डील कराई गई थी। कल इस डील के खत्म होने की आखिरी तारीख के कारण दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया। रूस ने क्रीमिया में हुए हमले का आरोप न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन पर भी लगाया है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कुछ दिन पहले अफगान तालिबान पर आरोप लगाया था कि वो दोहा एग्रीमेंट की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है। इसके जवाब में तालिबान की प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। वैसे भी दोहा पीस एग्रीमेंट अमेरिका और अफगान तालिबान के बीच हुआ था, इससे पाकिस्तान का कोई भी ताल्लुक नहीं है। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में अफगान तालिबान की प्रवक्ता ने साफ कर दिया था कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTT पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान सरकार और फौज अफगानिस्तान पर TTP से जुड़े इल्ज़ाम ना लगाए। देश विदेश की खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़े रहे सुरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।